और मैंने बहुत सारे अपडेट्स किए पिछली बार से। हर बार मैं नया वर्ल्ड इसलिए लाता हूँ क्योंकि पुराने वर्ल्ड में मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ ऑप्टिफाइन या मोड लगाने के चक्कर में, करप्ट हो जाता उसको मैं चेक करूँगा। और मैंने वो वहाँ पे जो पेड़ लगाए थे इतने सारे, वो कई बार बड़ा एरिया, कितने बड़े एरिया में मैंने फेंस लगा दिए। पहले खेती करी थी और फेंस यहाँ लगा दिए हैं इतने बड़े एरिया में, जहाँ पर मैंने खूब सारे इन सबको इतनी ब्रीडिंग कराई। और ये घोड़े मैं लाया हूँ, वहीं पड़े वहीं रहते थे ये घोड़े। वो देखो वहाँ से वो घोड़ा है ना, वो वहीं से मैं दो चार कुछ पाँच छः घोड़े लाया हूँ, ये वहीं पे थे। तो पाँच छः घोड़े लीड से पकड़ के ले आए यहाँ पे। और ये बाहर जो कई सारे हैं ना, वो गाय अरे ये बीच में मर जाएगा अभी। और मैंने कुछ सीक्रेट दरवाजे भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एनचेंटिंग टेबल बनाया है। कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो अंदर वो दिख रहा है जहाँ मुर्गा चला गया है, अंदर गया है मर जाएगा। ये बटन दबाओ ये खुल जाता है। एक मिनट में कैसे बताऊँ उसको, ऐसे बता सकता हूँ, अंदर जाके बताऊँगा। ये मैंने बड़ी माथा फोड़ी की, यूट्यूब पे भी देखा कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने उसके कुछ समझ के अलग थोड़ा किया है ट्राई। ये देखो ये नीचे वाला ब्लॉक है जहाँ से मुर्गी पागल तो अंदर कैसे आ गई, जहाँ पे भी वो खड़ी है ना वो ऊपर आता है, और ये साइड वाला खिसकता है। यहाँ पे पिस्टल लगाया एक तो स्टिकी, और एक यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अभी एक ब्लॉक आ गया है नीचे की तरफ जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, और अब वो पॉइंट नीचे चला जाता है। यहाँ पे मैंने एंजेंटिक टेबल लगा दिया था, और सर्वाइवल में होया ज़ॉम्बी भी आ सकते रात को। और एक घर के अंदर एक सीक्रेट रूम बनाया तिजोरियों के लिए, कुछ खास नहीं, कुछ डायमंड्स है जिससे मैंने आर्मर वार्मर बना दिए। वो आर्मर नहीं आ रखा है, आर्मर तो मैंने पहन लिया है, सामान नहीं आ रखा है। कुछ लेपिस भी लाया था मैं, अब तो खर्च हो गया इन सबको एंजेंट करने में, खूब सारे स्टेक्स है। कुछ डायमंड यहाँ रखे हैं, ये देखो ये बटन दबाओ ये पिस्टल नीचे चले जाते हैं। पता नहीं मैं कुछ और बना रहा था गेट पर, ये वाला गेट बन गया था, मैंने कहा यही अच्छा ही है। ये बटन दबाओ ऊपर, ये लिफ्ट जैसा ऊपर भी जाओ कैसे भी जाओ, पूरा एक फ्लोर जितना हो। यहाँ पे चेस्ट ही चेस्ट, ये ऊपर वाला चेस्ट भी एक्सेस कर सकते। यहाँ पे स्लैब है, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या क्या रख रखे हैं। सामने ही मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या था, जो रेडर रेड किसकी पड़ती है उससे पिलेजर, पिलेजर की आउटपोस्ट थी सामने। तो ये सब खाली है, खास खास चीज़ें ही रखने की सोची थी मैंने, कुछ कर ही नहीं पाया मैं। देखो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ इसके ऊपर, F5 दबा के बताऊँ, बटन तो दबेगा ना, बटन दबा के दिखता है। एक मिनट, अरे फिर से क्या दब रहा है, मैं यही से बताना पड़ेगा लगता है। यहाँ से देखो मैं वो वाला लीवर दबाऊंगा, मैंने बहुत सारे ट्राई किए इसमें, फिर लास्ट में जाके एक सफल हुआ। इसमें इतना सा आधा मेरा शरीर अंदर रह जाता है ये देखो, पर मैं ऊपर आ जाता हूँ किसी न किसी तरीके से। तो मुझे ये अलग चल गया मेरा ये तुक्का, पता नहीं मैंने बहुत ट्राई किया फिर जाके हुआ। और एक वो भी एडजेंट किया था ना मैंने, हाँ कहाँ गया पता नहीं, वो सब जिससे पिछले वीडियो में मैं शूट करा था वो भगवान जाने कहीं गया इसलिए मुझे। और मेरा खाना का रखा, खाना लेते हो फिर अब इस बार नेदर फोर्ट खेल खत्म कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ें ये ले लेते हैं, और क्या लूँ मैं, और कुछ खाना ही नहीं है क्या मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें तो थी कहाँ गई वो सारी, पहले सो जाते हैं। इस छोटे से घर में मैंने बहुत बढ़िया अपडेट कर दिया है, अब नेदर फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ते हैं अपन। और मैंने इसको बहुत बड़ी गौशाला बना दिया है, देखो कितनी अच्छी लगती है यार, मैं चारों तरफ जानवर ही जानवर, हरियाली हरियाली। और फिर बाद में सोच रहा हूँ एक गेट यहाँ पे लगा लूँगा, और इनको भी मैं इसके अंदर ले लूँगा मैं, यहाँ कि यहाँ से गेट खोलो और सीधे सीधे जाओ पेड़ काट सको। ये देखो पेड़ ही पेड़, ये मैंने पेड़ लगाए, हर एक के पास एक एक टॉर्च है, 10 पेड़ है शायद एक लाइन में, और ये दो लाइन यानी 20 पेड़ एक साथ में काट सकते हैं। अभी वो की बहुत
डिफेंस होनी चाहिए। जाके तो इतनी सी हुई है। ना अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाया। ठीक है, अच्छा वो वहाँ से बाहर जा रहे थे क्या? ठीक है, अब मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब वो नहीं जा सकते। और क्या है अपने पास? कुछ नहीं है। चलो अभी इन बाहर के जानवर को मारते हैं और फिर ले चलते हैं। अभी मेरे को सुनाई दिया है कि नेदर अपडेट के बाद 1.16 में तो नेदर अपडेट है। अब मैं यानी और फिर उसके 1.16 के बाद जैसा आने वाला है जिसमें नेदर अपडेट नहीं कुछ आ रहा हो, नेदर क्या केव अपडेट आएगा। अब मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं है, पर मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स यूट्यूब वालों को इसके बारे में बात करते सुना लो, पता चल रहा है। इतने सारे शुगर केन उगा दिए, इससे तो मैं बहुत सारी पूरी पूरी एक लाइब्रेरी क्या क्या बना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बना सकता हूँ। पॉइजन पतंगे तो नहीं उगा सकते, ठीक है कोई बात नहीं, ये पॉइजन किसी और को खिला देंगे। मैंने बाहर क्यों दिया, मेरे को अपनी मुर्गियों को खिलाना चाहिए था। और अंदर आ गई, कूद के अंदर आ गई, इधर आ तू, इसको बेवकूफ बना के उधर जरा चल दिया। कोई नहीं जाएगा। और भाई अच्छा आप, हाँ आप मैडम जी बड़े उतावले हो रहे हो ब्रीडिंग करने के लिए, कितने उतावले होते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे तो देखो गाय भैंसों के, गाय ही है, काश इसमें भैंस भी होती वो भी होता है। अरे अरे भाई सबको भी लगा, सबको भी लगा, डरो मत डरो मत। वो गाय तो पागल हो गई, गोल गोल घूमने लगी। अब समय में बर्बाद नहीं करूँगा, ब्रेड दो ही बनी बस, पटेटो है ना, पटेटो बेक कर लेते हैं। कोल कोल अभी ये कोल बेक होता है जब तक जब तक रेस्ट करो जाओ। तो दोस्तों हम तैयार हैं नेदर फोर्ट्रेस पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए। हमारे पास तीर की कुछ कमी थी तो हमने फ्लिंट और वो उसके फेदर से कुछ तीर बना लिए हैं, पूरे तैयार हैं आप। चलो चलो